हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूज़ कोर क्लासेस। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूज़ कोर क्लासेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक की करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और हर क्वेश्चंस को बड़ी ध्यान से करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चंस। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया दोस्तों 31 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है? तो ये हुआ है दोस्तों यहाँ पे जो है सौरव गांगुली के। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा आता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स आपको बताते, जो संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है, ये किया गया है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है दोस्तों यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीनीकरण हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों 5 वर्षों के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम बदल कर यहाँ पे रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अगस्त को वर्ष 2007 में फिनिक्स यान लॉन्च किया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो फिनिक्स यान लॉन्च किया गया था यहाँ पे, वो किया गया नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसे ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? तो ये तैयार किया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें जो है रक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा आता है, भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पे जो है उत्तराखंड में। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 6 वर्षों में कितने करोड़ से अधिक बैंक खाते खुल चुके हैं? तो यहाँ पे जो खातों की संख्या है दोस्तों वो यहाँ पे है 40 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किस वीजा के नियम में बदलाव किया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताते, इस वीजा का जो नाम है वो यहाँ पे है H-1B वीजा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत का आरक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे मंजूरी दी गई है दोस्तों ये है 5% के लिए। भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम मंजूरी दे दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है दोस्तों खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। UPSC के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्जाम में किस राज्य के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है? तो यहाँ पे UPSC में टॉप किया है दोस्तों यहाँ पे जो है हरियाणा राज्य के। अगला क्वेश्चन, BCI ने उम्र में धोखाधड़ी करने पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे बैन लगाया जाएगा दोस्तों ये है 2 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, इस देश का जो नाम है वो यहाँ पे है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 साल में देश का कौन सा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों यहाँ पे जो है 3रा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, हूर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत के एक पायदान फिसल कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो यहाँ पे पहुंच गया दोस्तों यहाँ पे 4th स्थान पर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लू गार्ड टैबलेट लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किए गए है दोस्तों यहाँ पे, इसकी कीमत है 35 रुपये।
देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर इंग्लैंड के किस कप्तान बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये है दोस्तों, यहाँ पे बन गए हैं योन मॉर्गन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो ये सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है दोस्तों यहाँ पे 50% सीटें। जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन देने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया गया है दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा। निम्न में से देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है? तो ये मंजूरी दी गई है दोस्तों पाकिस्तान कैबिनेट के द्वारा। हाल ही में किसने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया है? तो यहाँ पे ये किया है दोस्तों यहाँ पे दर्शन और भूमि पूजन नरेंद्र मोदी जी ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, चैनल्स के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने के चलते गूगल ने चीन के कितने से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया है? तो ये डिलीट किया गया दोस्तों 2500। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस चाइनीज मोबाइल कंपनी के साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया है? तो यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों ये किया गया है वीवो के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे घोषणा की गई है दोस्तों यहाँ पे जो है पंजाब कैबिनेट के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ब्रिटेन ने किस व्यक्ति की प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे इन व्यक्ति का जो नाम है दोस्तों वो है यहाँ पे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, माता वैष्णो देवी सहित जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक स्थल को कब से खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों धार्मिक स्थल खोले जाएंगे 16 अगस्त से। अगला क्वेश्चन हमारा था, आयरलैंड के पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ दोस्तों यहाँ पे जो है 83 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को किसका नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों इनको उपराज्यपाल जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पे दोस्तों जो इस्तीफा दिया है उपराज्यपाल के पद से वो दिया है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। इनमें से कौन भारतीय टीम में लगातार सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर है? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वनडे मैच खेले हैं सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे समझौता किया दोस्तों जो है कनाडा सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निजी क्षेत्र के किस बैंक में LIC ने ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर करीब 5% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो यहाँ पे खरीदी है दोस्तों यस बैंक ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म वाइजू ने स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर का कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? तो ये किया है दोस्तों यहाँ पे जो है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। अगला क्वेश्चन, किसने बैंकों को म्यूचुअल फंड के माध्यम से बांड में निवेश करने की अनुमति दे दी है? तो यहाँ पे अनुमति दी है दोस्तों जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली हाईकोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है यहाँ पे दोस्तों जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष बैच के IAS ऑफिसर और जम्मू कश्मीर के
पूर्व उप राज्यपाल जीसी मुर्मू को कह नियुक्त किया है। तो ये किया दोस्तों यहाँ पे 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है दोस्तों वो बढ़ाया गया है 18 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर रैंकिंग मिली है? तो इस ब्रांड को जो रैंकिंग मिली है दोस्तों उसका नाम है रिलायंस। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के देवलाली नासिक से देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पे जो है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, किस देश के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को पंजीकृत होगी? तो यहाँ पे इस देश का जो नाम है दोस्तों वो यहाँ पे है रूस देश की। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस देश की सरकार ने भीषण विस्फोट के बाद 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये इमरजेंसी जो लगाई गई है ये लगाई गई है लेबनान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस टेलीकॉम कंपनी ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों यहाँ पे जो है BSNL के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक मालिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? जो मुकेश अंबानी है दोस्तों यहाँ पे विश्व के जो बन गए हैं सबसे अमीर आदमी वो बन गए 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो दोस्तों इस ऐप का नाम यहाँ पे है TikTok।